देखो लीनियर इनइक्वालिटी जो है लीनियर इक्वेशंस का एक्सटेंशन है। बस यहाँ पे फर्क क्या पड़ता है, लीनियर इक्वेशंस में वहां पर इक्वल टू जीरो होता था, लीनियर इन इक्वेशंस में यहाँ पर लेस देन जीरो या फिर ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं द इक्वेशंस द इनइक्वालिटीज विच इज इन द फॉर्म ऑफ AX प्लस BY प्लस C लेस देन जीरो और लेस देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो और ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इस फॉर्मेट में अगर हमारे पास रहता है इज नोन एज लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, इन सबको हम कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब तो ये सब के सब जो है हमारे वो सब के सब हमारे बन जाएंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये सब के सब हमारे हो गए लीनियर इनइक्वालिटीज। अब लीनियर इनइक्वालिटीज में हमारे पास कुछ पैटर्न आता है, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है कुछ पैटर्न है जिनको मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें हमारे पास जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, लिखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। उसमें हमारा फर्स्ट नंबर होता है वो है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को राउंड ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा करके दिखाते हैं हम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ठीक है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी देन एक्स कैन हैव एनी रियल वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। ठीक है, मतलब क्या है, ए और बी के बीच की सारी वैल्यूज कंसिडर कर सकते हैं जिसमें ए एंड बी जो होगा वो एक्सक्लूडेड फॉर्मेट में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, किस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एक लाइन है एक्स एक्सिस के एक लाइन है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट दिया ए, इसमें एक पॉइंट दिया मैंने बी। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ए और बी के बीच की सारी वैल्यूज को हम कंसिडर कर सकते हैं जिसमें ए और बी जो होगा वो हमारा कंसिडर नहीं होगा। मतलब अगर मैंने लिखा एक्स बिलोंग्स टू 1, 2, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ एक्स lies between 1 and 2 excluding 1 and 2। ठीक है, इसमें 1 और 2 के बीच की हम सारी वैल्यूज कंसिडर कर सकते हैं एक्सक्लूडिंग 1 एंड 2, जहां पर 1 और 2 जो होगा
वो हमारा एक्सक्लूडेड होगा। तो ये हमारा बन गया ओपन इंटरवल, ठीक है। सेकंड नंबर हमारा है वो है हमारा क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल को स्क्वायर ब्रैकेट से इसको हम डिनोट करते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, देन एक्स कैन हैव एनी रियल वैल्यू बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी, ठीक है। मतलब यहां पर ए और बी के बीच की सारी वैल्यू कंसिडर कर लेंगे, सिर्फ ए और बी को, इसमें ए और बी की वैल्यू भी कंसिडर हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया एक्स एक्सिस, इसमें ए और बी की जो वैल्यू है वो भी हमारी कंसिडर हो जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो इसमें क्या है, इसमें मैंने बबल को फिलअप नहीं किया, यहाँ पर मैंने बबल को फिल कर दिया। मतलब यहाँ पे वैल्यू हमारी इंक्लूड नहीं हुई है, यहाँ पे हमारी वैल्यू इंक्लूड हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ, जरा मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ तुम लोग को। मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसका मैं एग्जाम्पल तुम लोग को दे रहा हूँ, ओएमआर शीट का। चलो अभी तो सबके ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, बट बाद में जब तुम लोग को ओएमआर शीट के थ्रू एग्जाम होगा तो उसमें देखो किस तरीके से होता है। सपोज मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर वन, चार ऑप्शन है ए बी सी डी, उनके ऑप्शन भी ऐसे बबल के फॉर्मेट में रहेगा ए बी सी डी, ऐसा होता है एमआर शीट। अब मान लो तुमने तुमने सपोज बी को तुमने फिल कर दिया, सपोज तुमने बी को फिल अप कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर वन के मार्क्स इंक्लूड हो गए। अब वो डिपेंड करेगा कि प्लस फोर होना है क्या माइनस वन होना है, ठीक है। अगर तुम्हारा गलत होगा तो माइनस वन हो जाएगा, अगर तुम्हारा सही होगा तो प्लस फोर हो जाएगा, ठीक है। यही हो सकता है प्लस फोर या माइनस वन, ठीक है, प्लस फोर या माइनस वन, वो सब कुछ डिपेंड करेगा कि तुम्हारा आंसर करेक्ट है या तुम्हारा आंसर इनकरेक्ट है। मतलब क्या है, तभी जाके तुम्हारे मार्क्स काउंट होंगे, मतलब तुम्हारे क्वेश्चन नंबर वन जो हो गया इंक्लूड हो गया। अब फॉर एग्जांपल तुमने क्या किया, तुमने इसको फिल नहीं किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुमने क्या किया, तुमने इसको फिल ही नहीं किया, तो मतलब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर वन काउंट ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, मतलब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर वन काउंट नहीं होगा। काउंट नहीं होगा मतलब वो एक्सक्लूडेड हो गया, ठीक है। काउंट नहीं होगा मतलब वो एक्सक्लूड हो गया, मतलब उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब बबल को फिल नहीं करना है, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब बबल को फिल कर लेना, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट इसके बाद, ठीक है। थर्ड नंबर हमारा है सेमी ओपन ऑब्लिक सेमी क्लोज्ड इंटरवल।
सेमी ओपन ऑब्लिक सेमी क्लोज्ड इंटरवल, इसमें फर्स्ट नंबर लेट एक्स बिलोंग्स टू, मैंने इसको ऐसा दे दिया। इस सिंबल का मतलब क्या है? क्लोज्ड मतलब वैल्यू इंक्लूड हो रही है, इसका मतलब क्या है? ओपन मतलब वैल्यू एक्सक्लूड हो रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया है? ये पैटर्न है, देन एक्स कैन हैव एनी रियल वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड एक्सक्लूडिंग बी। ठीक है, इंक्लूडिंग ए एंड एक्सक्लूडिंग बी। ठीक है, मतलब यहां पे क्या हो गया? देखो एक मिनट बात समझो जरा, यहाँ पे ए के साइड में था हमारे पास ये बड़ा वाला ब्रैकेट मतलब क्लोज ब्रैकेट, बी के साइड में हमारे पास है छोटा ब्रैकेट मतलब ओपन ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट का मतलब वैल्यू क्लोज हो गई मतलब वैल्यू इंक्लूड हो गई, छोटे ब्रैकेट का मतलब वैल्यू ओपन रह गई मतलब वैल्यू एक्सक्लूड हो गई। ठीक है, मतलब अगर इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा? अभी ए के साइड में क्या है? क्लोज्ड मतलब ए क्या हो गया? इस साइड के बबल को फिल कर देंगे, और बी के साइड में है ओपन मतलब बी के साइड का बबल फिल नहीं होगा। आई बात समझ में? ए के साइड में बबल फिलअप हो जाएगा एंड बी के साइड में बबल फिलअप नहीं होगा। ठीक है, इसी का है सेकेंड नंबर, लेट x belongs to a comma b, इसका मतलब क्या हुआ? then x can have any real values between A and B, excluding A and including B. Okay, excluding A and including B. इसका मतलब क्या हुआ? ये बन गया x-axis. ये मैंने ए और बी रिप्रेजेंट किया, अभी देखो ए के साइड पहले तो दोनों साइड बबल बना लेते हैं, ए के साइड में क्या है? बबल फिल नहीं करना, और बी के साइड में क्या है? क्लोज्ड मतलब बी के साइड में बबल को फिल कर देंगे और ए के साइड में बबल को फिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो अब दो तीन चीजें और है, ये सब इंटरवल कहां कब लगेगा? ठीक है, अगर हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू, मतलब ये इक्वल टू अगर हमारे पास लगा है, इक्वल टू अगर हमारे पास लगा है तो वहां पे हम यूज करते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इक्वल टू मतलब इंक्लूड करना। ठीक है, इक्वल टू का मतलब इंक्लूड करना, मतलब वो वाली वैल्यू हमारी इंक्लूड हो रही है, मतलब वो वैल्यू हमारी कंसीडर हो रही है। ठीक है,
अगर हमारे पास है ग्रेटर देन या लेस देन तो हमारा आता है ओपन इंटरवल, ठीक है। माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में रखे जाते हैं, ठीक है। माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में रखे जाते हैं, क्यों? क्योंकि माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी को कभी हम क्लोज नहीं कर सकते, मतलब उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है, उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है, इस वजह से इसको इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये हमारे दो तीन चीजें हो गए जिसके थ्रू हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। अभी मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूं। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। Ex minus 4 less than 2, ठीक है। Ex minus 4 less than 2, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल है, 4 को उधर ले जाते हैं, टू प्लस फोर, फोर उधर जाएगा, इधर माइनस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पी एक्स लेस देन सिक्स, एक्स लेस देन सिक्स बाय थ्री, मतलब एक्स लेस देन टू। अब बात समझो, एक्स अगर टू से छोटा है मतलब कितना छोटा है, एक्स अगर टू से छोटा है मतलब कितना छोटा है, टू से छोटा है इसका मतलब एक्स जो होगा छोटे में कहां तक जा सकता है, माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है। इसको अगर मैं नंबर लाइन के हिसाब से अगर मैं प्लॉट करूंगा तो कैसा बनेगा, ये हो गया टू, ये बन गया लेस देन, ठीक है। इधर कहां तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी, इधर कहां तक जा रहा है, प्लस इंफिनिटी, ठीक है। तो ये हमारा बन गया लेस देन टू, मतलब टू पे यहाँ पे क्या रहेगा, ओपन, लेस है मैंने पहले बताया, ग्रेटर लेस क्या आएगा, ओपन इंटरवल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा, क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6 इंटू x माइनस 2, ठीक है। सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालो। उसके बाद ये कंसेप्ट का यूज होगा, यहां पर लेस का सिंबल है मतलब ओपन इंटरवल आएगा सॉल्यूशन में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिक्स माइनस टेन माइनस फोर, इसको इधर लाओ, फोर एक्स को उधर ले जाओ, ट्वेल्व माइनस फोर लेस देन सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स, ठीक है। एट लेस देन टू एक्स,
इसको और अच्छे से लिखेंगे, 2x greater than 8, इसको इधर लिखा इसको इधर लिखा, ठीक है, x greater than 4/2, x greater than 2, अब 2 से greater, कितना greater? से ग्रेटर कितना ग्रेटर? इंफिनिटी तक, मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू 2 प्लस इंफिनिटी। क्या बन जाएगा? 2 प्लस इंफिनिटी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया 2 प्लस इंफिनिटी, ठीक है। नोट कर लो, अगले क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, बस तुम लोग अच्छे तरीके से करते चलो तो बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट है, (37−3x+5) greater than or equal to 9x−8 × x−3, ठीक है, 8 × x−3 हो गया। करो जल्दी से, अब यहां पर क्या है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, मतलब सॉल्यूशन में लास्ट में क्या आएगा, क्लोज्ड इंटरवल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करो एक बार, चलो अब इसके बाद इसको सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। (9x−8x+24) अब देखो, 37 − 5 क्या बन गया, 32 − 3x x+24, ठीक है, बन जाएगा हमारे पास, क्या करोगे, इस x को एक साइड, कॉन्स्टेंट को दूसरे साइड, ठीक है, तो बन गया 32 − 24 x+3x, 32 − 24 मतलब 8 > or = 4x, मतलब 4x < or = 8, x < or = 8/4 मतलब 2, क्या बना, x < or = 2। ठीक है, x < or = 2 मतलब क्या बन जाएगा, ये हो गया 2 और उससे लेस, और इसमें 2 वाली जो वैल्यू है ये भी हमारी क्लोज हो जाएगी, ठीक है, तो क्या बन गया, इधर कहां तक जा रहा है, −∞। -∞ टू
टू, यहाँ पर टू क्या हो गया, यहाँ पर टू हमारा क्लोज हो गया, ठीक है, यहाँ पर टू हमारा क्लोज हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो अभी इन सब चीजों को लेकर के हमारे पास क्या दो तीन चीजें आ सकती है, हमारे पास दो तीन चीजें इसमें आ रही है जिसका हमको सॉल्यूशन निकालने में आसानी रहेगी, ठीक है। क्या क्या चीजें आ रही है पहले हम वो देख लेते हैं, जो मेन मेन जो पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे, पहले उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो दो तीन चीजें क्या क्या हो रही है हमारी, पहली चीज अगर x less than a दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन हमारा, हमारा सॉल्यूशन बनेगा x belongs to minus infinity to a। अगर हमारे पास दे रहा x greater than a, मतलब x belongs to a to plus infinity, अगर हमारे पास है x less than or equal to a, तो मतलब x belongs to minus infinity to a, closed interval। अगर हमारे पास आ रहा है x greater than or equal to a, मतलब x belongs to closed interval a to plus infinity, ठीक है, x belongs to closed interval a to plus infinity। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स हो गए जिन पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, टू इंटू टू एक्स प्लस थ्री माइनस टेन लेस देन सिक्स इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है, टू इंटू टू एक्स प्लस थ्री माइनस टेन सिक्स इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है, माइनस टेन सिक्स इंटू एक्स माइनस टू, देखो क्या आएगा आंसर। चलो अब देखते हैं इसको हम सॉल्व करके क्या बनेगा, इसको एक्सपेंड करेंगे, बनेगा 4x plus 6 minus 10 less than 6x minus 12। x को इधर ले जाओ, कॉन्स्टेंट को इधर ले आओ, ठीक है, क्या बनेगा 6 माइनस 10 माइनस 4 प्लस 12 लेस देन 6x माइनस 4x 8 लेस देन 2x 2x ग्रेटर देन 8, ठीक है, x ग्रेटर देन 8 बाय 2 मतलब 4, बन गया x ग्रेटर देन 4, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, x belongs to open interval 4 to plus infinity, ठीक है, open interval 4 to plus infinity, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन हो जाएगा, अभी हमारे पास है थोड़ा टाइम। टू एक्स माइनस थ्री अपॉन फोर प्लस सिक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू टू प्लस फोर एक्स अपॉन थ्री, ठीक है। तो पहले हमारा जो काम होगा थोड़ा सा इसको
एलसीएम लेना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं है। तो पहले दोनों साइड में अलग अलग एलसीएम ले लो, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यह काम करो, एक्स के टर्म को एक साइड ले आओ, इसको इधर ले आते हैं और सिक्स को उधर ले जाते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे क्या करना। तो बन जाएगा 2x-3/4 -4x/3। -4x/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 - 6। एलसीएम नीचे क्या हो गया, 12। 3 × 2x-3 -16x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। 6x-9 - 16x ग्रेटर देन और इक्वल टू -48। 6x-16x बन गया -10x ग्रेटर देन और इक्वल टू -48 + 9। -10x ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ कितना हो गया -39। अब इसका मतलब ये नहीं कि माइनस माइनस कट जाएगा, एक बार समझ लेना। 2 अगर 3 से छोटा है तो -2 - 3 से बड़ा होगा, ध्यान रखना। हम माइनस को डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, माइनस को कैंसिल करने के लिए ये जो बीच की इनइक्वालिटी की साइन है वो हमारी चेंज होगी। मतलब बना 10x < 39, ठीक है। क्या बना, 10x < 39, मतलब x < 39/10, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। x < 39/10 मतलब आंसर हो गया x belongs to -∞ to 39/10, ठीक है।